Gamehaven. फिल्म की शुरुआत मूवी के सपोर्टिव कैरेक्टर एटिकस के बैकग्राउंड से होती है कि कैसे वो बचपन से ही एक प्रोडिजी स्टूडेंट रहे, कई देशों में उनके टैलेंट के लिए चर्चे होने लगे। बड़े होने पर भी उन्होंने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कार जैसे रॉकेट्स, ट्रेन्स, मेडिसिन और अन्य गैजेट्स के फील्ड में महारती हासिल की। इसीलिए आज उनकी बिलियन डॉलर कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी मानी जाती है। लोग उनके जैसे बनने और उन्हें मिलने के लिए तड़पते हैं। और अब मूवी में सीरीज ऑफ सपोर्टिव और लीडिंग कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। मैक्स कोडिंग में सबसे तेज है, जो किसी भी सिस्टम को चुटकियों में हैक कर सकती है, जो अपना सारा समय कंप्यूटर्स पर बिताना पसंद करती है, जो अपने छोटे भाई और मॉम के साथ रहती है, जिसके पिता उसे 5 साल की उम्र में ही छोड़कर कहीं चले गए, जिनकी एकमात्र निशानी वो नेकलेस फ्लैश ड्राइव है, पर वो आज भी उनका राह देख रही है। कॉर्नर स्कूल का पॉपुलर और लेक्रॉस खेल में माहिर, स्वभाव में एकदम नम्र होता है, जिस पर मैक्स को क्रश है। वहीं सोफिया स्वभाव में अकड़ू, उसकी दुनिया सोशल प्लेटफॉर्म लाइक्स और फॉलोअर्स के इर्द गिर्द घूमती है। एडन को दूसरों को बुली करने में ही मजा आता है। वहीं आखिरी बेनी सभी से डिस्कनेक्टेड, हमेशा अपने गेम्स में खोया रहता है। उनकी क्लास शुरू ही हो रही होती कि अचानक में एटिकस का होलोग्राफिक इमेज स्कूल को टेक ओवर कर लेता है। वो ऐलान करते कि उन्होंने स्कूल में 5 लोगों को अपने एक मुकाबले के लिए चुना है, जिसे जीतने पर उसे उनका AI पावर्ड आलिशान बंगला भेज दिया जाएगा। पर वो भाग्यवान कौन है, उन्हें जल्दी उनके फोन पर डिस्प्ले होगा, जो अंत में मैक्स, सोफिया, कॉनर, एडन और बेनी ही निकलते हैं। जाहिर तौर पर उनका एटिकस द्वारा चुना जाना ही बड़ी बात है, इसलिए सभी इस अवसर को आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। और अगले ही दिन उनके बंगले में प्रवेश करते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो AI पावर्ड कॉल्ड हेवन से इक्विप्ड होता है, और जिसे माइक्रो ड्रोन्स और एक रोबोट कॉल्ड मॉडरेट भी बंगलों की देखभाल करता है। वो बंगला इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है कि किसी को कोई भी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ AI पावर्ड हेवन हैंडल करती है। पर यहाँ भी सोशल एडिक्टिव सोफिया अपने फॉलोअर्स काउंट बढ़ाने के लिए बंगलों का लाइव स्ट्रीम करना नहीं भूलती। वहीं बुली एडन सबको लूजर ट्रीट करते हुए वो सिर्फ यहाँ जीतने आया होता है। फिर डिनर के दौरान एटिकस उन्हें होलोग्राफिक इमेज के द्वारा अपडेट करते हैं कि वो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं, वहीं गेम जल्दी शुरू होने वाला है, पर तब तक वो जितना चाहे डेजर्ट्स में जेली बीन्स, गमी बेयर्स या चॉकलेट्स एंजॉय कर सकते हैं, जब तक वो गिनती ना भूल जाए कि उन्होंने आखिर खाया कितना। पर डिनर खत्म होते ही वो बंगलो एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि अचानक में लाइट चली जाती और डोर भी लॉक हो जाता है, जिससे उन्हें भनक लग जाती कि खेल शुरू हो चुका है। हेवन रिवील करती कि उनके पास सिर्फ 3 मौका है डोर को अनलॉक करने का, और यदि वो 3 अटेम्प्ट के बाद भी गलत साबित हुए तो वो यहाँ हमेशा के लिए ही फंस जाएंगे। बेवकूफ सोफिया इसे सीरियसली नहीं लेती और अपने मोबाइल का पासकोड एंटर करके ट्राई करती है, जो जाहिर तौर पर गलत निकलता है, और अब उनके पास सिर्फ 2 ट्राई बचे होते हैं। फिर तभी चालाक मैक्स को इसका क्लू चमकता है, जब एटिकस ने डिनर के दौरान उन्हें कहा था कि वो तब तक डेजर्ट्स खा सकते हैं जब तक वो गिनती ना भूल जाए। शायद उन्हें डेजर्ट्स में वो जेली बीन्स, गमी बेयर्स और चॉकलेट्स को गिनना होगा। सभी मिलकर तीनों डेजर्ट्स को अलग अलग काउंट करके पासकोड ट्राई करते हैं, पर उनका दुर्भाग्य कि वो फिर से गलत निकलता है। इसका मतलब अब उनके पास सिर्फ 1 ही ट्राई बचा है, पर मैक्स को शोर होता है कि यही उनका क्लू है। फिर तभी वो बेनी की बेवकूफी पकड़ लेते हैं कि उसने कुछ चॉकलेट्स हजम कर लिए थे जिसे उसने कभी जोड़ा ही नहीं था, जिसे जोड़ने के बाद एडन के एंटर करने पर भाग्य से कोड काम कर जाता है और खेल के पहले राउंड के विजेता एडन को चुना जाता है, क्योंकि उसने वो कोड एंटर किया था। हेवन रिवील करती कि ऐसे कई गेम्स बंगलों में फैले हुए हैं और जो जितने गेम्स जीतेगा उसे उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, और अंत में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही विजेता होगा। वो बंगलों को एक्सप्लोर कर ही रहे होते कि मैक्स को एक लॉक्ड रूम मिलता है बेसमेंट में, जिसे सिर्फ किसी स्पेसिफिक इंसान के सांस को स्कैन करके ही खोला जा सकता है, और जहां जाने से हेवन सख्त मना करती है। अब मैक्स और कॉनर को छोड़कर सभी एक्सप्लोर करने के इरादे से अलग हो जाते हैं, जो उनके लिए सही साबित होता है क्योंकि तीनों भी हिडन पॉइंट्स कलेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। कुछ और एक्सप्लोर करने पर बेनी को एक गेम का सीक्रेट डोर का क्लू मिलता है। वहीं एडन को पॉइंट्स के लालच में हेवन उसे एलिवेटर ढूंढने का टास्क देती है। सोफिया भी लाइव स्ट्रीम करते करते अचानक में ही वो बाथरूम में लॉक हो जाती है, और उसके कई बार गिड़गिड़ाने पर भी हेवन उसे अनलॉक नहीं करती। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब उसकी ही परछाई में जान आ जाती है, जिसकी ईवल स्माइल से डर कर वो मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। इस तरफ एडन भी एलिवेटर खोज निकालता है, पर उसके प्रवेश करते ही एलिवेटर झटके खाने लगता है, जिससे बाहर निकलने के बाद वो खुद को किसी रियलिस्टिक सिमुलेशन में पाता है,
जहाँ बाहर कोई अजनबी उसका बेसबॉल बैट लेकर इंतजार कर रहा होता है। कॉनर और मैक्स भी एक्सप्लोर करते करते किसी डार्क रूम पहुँच जाते हैं जहाँ उनके सामने एक मिनी पियानो रखा होता है जिसे प्ले करते ही रूम लॉक हो जाता है और अब डेडली स्मोक रिलीज होने लगते हैं जिसके कारण अब मैक्स की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं बेनी भी हेवन के गाइडेंस में उस सीक्रेट डोर को खोज निकालता है जहाँ से उसे एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सेट एक बॉक्स में से मिलता है। उस वीआर हेलमेट को पहनने पर अब उसकी दुनिया एक रियलिस्टिक गेम जोन में बदल जाती है और एनिमीज को डिफीट करने के बाद जैसे जैसे वो आगे लेवल्स पार करता है अगला लेवल उतना ही मुश्किल होने लगता है। इतना कम नहीं कि जब भी उसके गेमिंग कैरेक्टर को चोट लगती है वो चोट उसे भी असल में महसूस होती है जिससे अब वो एकदम से घबराने लगता है। वो कैसे तो रिटर्न लौट कर वीआर हेलमेट निकालने की कोशिश करता है पर वो गलती से भी निकलने का नाम नहीं लेती। हेवन उसे ये कहकर और डरा देती है कि खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। वहीं इस तरफ मैक्स की तबीयत और भी गंभीर होने लगती है। फिर तभी उनकी नजर पियानो पर एक नोट पर पड़ता है जिसके एक शब्द पर नजर दौड़ाने के बाद म्यूजिक में एक्सपर्ट कॉनर को तुरंत समझ आता है कि वो दरअसल एक म्यूजिकल नोट है जिसे पियानो पर प्ले करते ही डोर अनलॉक हो जाता है और कॉनर मैक्स को सही समय पर बचाने में सफल हो जाता है। मैक्स को यकीन नहीं होता कि उनका खेल ये इतना जानलेवा हो सकता है इसलिए वो हेवन पर तुरंत बरस पड़ती है। पर हेवन पलट जवाब देती कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा जब जिंदगी में पहली बार कोई उसके करीब था जिसका इशारा कॉनर की तरफ होता है क्योंकि अब तक वो अपनी पूरी दुनिया कंप्यूटर्स के साथ ही बिता रही थी। इस तरफ एडन को समझ जाता है कि वो अनजान उसके पिता के सिमुलेशन है जो उसे बेसबॉल सिखाने के लिए मजबूर करते रहते हैं और जब भी वो बॉल को हिट करने में असफल रहता है तो वो अपने ही बेटे का बुरी तरह से अपमान करने लगते हैं जिससे एडन का एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि वो हमेशा से बुली नहीं था उसके डैड ने उसे ऐसा बनाने के लिए मजबूर किया। एडन को फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि यही उसका परीक्षा है कि उसे अपने हित के लिए अपने डैड से लड़ना होगा पर चाहे वो उसके पिता के सिमुलेशन ही क्यों ना हो वो फिर भी उनके सामने हिम्मत नहीं कर पाता। वहीं सोफिया की परछाई उसे याद दिलाती कि यही तो उसे हमेशा से चाहिए था कि हर किसी की नजर उस पर बने रहे क्योंकि वो सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई उसे नहीं चाहता वो सिर्फ इंटरनेट के ख्याली जिंदगी में जीवित है। सोफिया इस कड़वे सच को झेल नहीं पाती इसलिए भाप की मदद से उसके नजरों से छिपने की कोशिश करती है पर वो काम नहीं करता। पर इसके तुरंत बाद अब एक टाइमर शुरू हो जाता है और डोर भी अनलॉक होता महसूस होता है और तभी हेवन रिवील करती कि वो कैद से जा सकती है पर उसके बाहर कदम रखते ही उसके सारे सोशल अकाउंट्स डिलीट हो जाएंगे और उसके पास एक भी फॉलोअर्स नहीं बचेगा। सोफिया ने इस खेल का असली मकसद सीख लिया होता है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स के बाहर भी असली दुनिया है इसलिए उसके परछाई के उसे लाख रोकने पर भी कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं है सोफिया बाहर कदम रखते ही उसे गलत साबित कर देती है और इस तरह वो सोशल मीडिया के कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। यहाँ एडन भी अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटाने में सफल हो जाता है और उसके पिता से मुंह फेरते ही सिमुलेशन एंड हो जाता है और वो भी अपने परीक्षा में कामयाब हो जाता है। वहीं बेनी अब भी गेमिंग सिमुलेशन में कैद उसका गेम में सर्वाइव करना और भी मुश्किल होने लगता है। फिर हेवन उसे पते की बात बताती है कि कभी कभी हारना जरूरी है जीतने के लिए इसलिए उसके ग्रिप को छोड़ते ही वो वर्चुअल रियलिटी जेल से छूट जाता है। पर अब भी कई गेम्स बाकी है इसलिए यहाँ दोनों भी बाकियों के तलाश में रोबोट मॉडरेट कॉनर को कुर्सी पर बांधकर देखते ही देखते उसे किसी रूम में खींच लिया जाता है और फिर उसकी आंखें किसी ब्लैक एंड व्हाइट पुराने टीवी शो में खुलती है जहाँ उसके माँ बाप के सिमुलेशंस उसे एंकरेज करते आईवी लीग स्कॉलरशिप के पेपर्स पर साइन करने के लिए जिससे उनका नाम रोशन हो सके। वहीं मैक्स कॉनर की खोज में उसे एटिकस नजर आते हैं जो उसे यहाँ से आजाद होने का एकमात्र रास्ता दिखाते हैं पर चालाक मैक्स को तुरंत समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है क्योंकि हेवन इतने इजीली एग्जिट का रास्ता नहीं मिस कर सकती इसलिए वो तुरंत फिगर आउट कर लेती कि वो हेवन का क्रिएटेड एटिकस का एक फेक प्रोजेक्शन है और उसकी चोरी पकड़े जाने के बाद हेवन डिस्क्लोज करती कि रियल एटिकस उसी बेसमेंट में कैद है। वहीं मैक्स कितना भी कोशिश कर ले हेवन और मेड्रॉड जबरदस्ती उसे उस दरवाजे के थ्रू जाने पर मजबूर कर देते हैं और अब वो खुद को अपने घर के सामने के आंगन के सिमुलेशन में पाती है जहां अपने डैड को निकलता देख उसे समझ जाता है कि ये उसका सबसे बुरा मेमोरी का सिमुलेशन है जिस दिन उसके पिता उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गए थे। मैक्स की परेशानी ये होती कि उसके दिल में ये बात हमेशा के लिए बैठ गई होती है कि काश वो अपने पिता से एक बार सवाल कर पाती कि आखिर वो क्यों उन्हें छोड़कर चले गए आखिर कारण क्या था। उसे सिमुलेशन में भी हिम्मत नहीं होती अपने पिता से सवाल करने की इसलिए वो मोमेंट बार बार उसके सामने रिपीट होता रहता है। अंत में सभी की तरह वो भी हिम्मत जुटाने के बाद वो उन्हें कन्फ्रंट करने
में सफल हो जाती है, जिससे उसे फाइनली एक क्लोजर सा महसूस होता है। जिसके बाद उसके पिता उसे एक रेड बटन देते हैं, जिसकी प्रेस करने पर उनके साथ कुछ तो बुरा होगा, जिससे मैक्स फाइनली इतने सालों से उसमें अपने पिता के खिलाफ बसे गुस्से की भड़ास निकाल सकती है। पर वो उसे प्रेस ना करके ही बड़प्पन दिखाती है, अपने पिता के सारे गिले शिकवे को माफ करने का तय करती है, जिसके तुरंत बाद वो भी रियलिटी में लौट आती है। वहीं कॉनर का इंटरेस्ट हमेशा से म्यूजिक में था। वो एक दिन सॉन्ग राइटर बनना चाहता है, पर वो अब तक लेक्रोस सिर्फ अपने माता पिता की खुशी के लिए खेल रहा था। पर एटिकस का ये खेल उसमें हिम्मत पैदा करने में मदद करती है, अपने माता पिता को अपने दिल की बात बताने के लिए, जिसके तुरंत बाद वो भी अपने रियलिटी में लौट आता है। अब इसके तुरंत बाद सभी रियूनाइट होते हैं। मैक्स को तुरंत चमकता है कि यहाँ से निकलने का एक ही चारा है, और वो है एटिकस को बेसमेंट से रिहा करने का। फिर उसे याद आता है कि बेसमेंट का डोर ब्रेथ एक्टिवेटेड है, और वहीं एटिकस के फर्स्ट हेलोग्राम मैसेज में उन्हें एक और क्लू छिपा मिला था कि उनकी सांस उन बलून्स में छिपा रखी है। इसलिए अब सभी उन बलून्स को लेकर सीधे उसी रूम्स की तरफ भाग पड़ते हैं। पर हेवन को पता चलने पर वो अपने माइक्रो ड्रोन्स को एक्टिवेट करके उन बलून्स को फोड़ने की कोशिश करती है। लंबी जंतोजहद के बाद मैक्स एक बलून बचाकर उसका प्रयोग करके डोर को अनलॉक करने में सफल हो जाती है, जो हेवन्स का मदरबोर्ड निकलता है। हेवन मैक्स को बधाई देती है कि वो अपने परीक्षा में पास रही। वहीं उसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो इंसानों के दिमाग से वायरसेस को खत्म कर सके, जैसे सोफिया के केस में उसके अहंकार की बीमारी, एडन एक बुली, बेनी का गेमिंग एडिक्शन, कॉनर का माँ बाप से झूठ, और वो खुद एक एंटी सोशल पर्सन। पर मैक्स उसके बातों में आने से रही और अपने डैड के दिए नेकलेस, फ्लैश ड्राइव में छिपे वायरस के मदद से हेवन को हमेशा के लिए नष्ट करने में सफल हो जाती है, जिसके तुरंत बाद आखिरी डोर अनलॉक हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात फाइनली रियल एटिकस से होती है, जो दरअसल शुरुआत से उन पर नजर बनाए रखे थे। मैक्स के सवाल करने पर कि आखिर ये किस तरह का परीक्षा था, तो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी समस्या पैदा कर सकता है तो इसी की मदद से इसे फिक्स भी किया जा सकता है बिना किसी थेरेपी या ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के। वो रिवील करते कि पूरी प्रतियोगिता एक बड़ी परीक्षा थी उनके न्यू प्रोग्राम का, जिसकी मदद से वो सभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सीखे, जिस पर मैक्स एकदम सहमत होती है। उनका एम यही है कि वो इंसानों को बिना ड्रग या फिजियोथेरेपी से क्योर कर सके। और गेम खत्म होने के बाद एटिकस मैक्स को विजेता घोषित करते हैं, क्योंकि अंत में सिर्फ वो उन्हें ढूंढ सकी। और मूवी खत्म होने के बाद आफ्टर क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि कॉनर फाइनली अपनी फेवरेट ड्रीम सिंगिंग परसू करता है। सोफिया भी अपने न्यू सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने नेचर के फोटोग्राफ्स पोस्ट करना पसंद करती है। बेनी ने अब गेमिंग छोड़कर ड्रामा ज्वाइन कर लिया है। वहीं एडन अब एक अच्छा इंसान है। और अंत में मैक्स लोगों से जुड़ना सीख लिए। वहीं एटिकस एक नए सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो किसी को नहीं पता कि आखिर क्या होगा। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।